गाइस, अगर आप 2020 में नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं और जानना चाहते हैं कि नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं, देन ये पूरा वीडियो आपके लिए है। सो डू वॉच इट टिल द एंड। गाइज, अगर मैं 2019 की बात करूं तो नीट में रजिस्ट्रेशन लगभग 15,19,000 स्टूडेंट्स ने किया था एंड नीट को क्वालिफाई लगभग 7,97,000 स्टूडेंट्स ने किया था। चलिए अब बात करते हैं कि नीट के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं। स्टूडेंट्स के पास जो पहला ऑप्शन होता है वो होता है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का। 2019 में इंडिया में लगभग 30,000 गवर्नमेंट सीट्स अवेलेबल थी। अगर मैं उन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का रेशियो निकालूं तो सिर्फ 3-4% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्हें गवर्नमेंट सीट्स मिली थी। बट गाइस, 2020 में इंडिया में गवर्नमेंट सीट्स की संख्या बढ़कर 42,265 हो गई है, जो कि नीट एस्पिरेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है। तो किस स्टेट में कितनी गवर्नमेंट सीट्स अवेलेबल हैं, इसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दी जाएगी। सो गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी अपडेट एंड इम्पॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए, बिकॉज मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। तो गाइस, स्टूडेंट्स के पास जो दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है एब्रॉड से MBBS करने का। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल पाता है और वो कोचिंग करके ड्रॉप करके अपना साल बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स एब्रॉड से MBBS करते हैं। गाइज, एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि आपको नीट में सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पर भी एब्रॉड में गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। इसके अलावा लो फी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। स्टूडेंट्स को लगता है कि जितना अमाउंट वो एक साल और कोचिंग करने में स्पेंड करेंगे उतने अमाउंट में वो एक साल की MBBS कर सकते हैं एब्रॉड से, तो कोचिंग करने से बेटर है एब्रॉड से MBBS किया जाए। इसके अलावा वर्ल्ड क्लास मेडिकल एजुकेशन, एक्सपोज़र, सेफ्टी, गुड फूड सर्विस, हायर लाइफस्टाइल, बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं एब्रॉड से MBBS करने के लिए, जिसमें हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे। तीसरा ऑप्शन जो स्टूडेंट्स के पास होता है वो होता है एडमिशन इन प्राइवेट कॉलेजेस। तो गाइस, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सीट नहीं मिलती है और वो अपने साल को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, तो वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं। बट हम सबको पता है कि इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस बहुत कम होती है, वहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं बात करूं तो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट MBBS करने पर 50-60 लाख से 1-1.5 करोड़ तक का खर्च होता है। तो जो स्टूडेंट्स इस बजट को अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। ऑप्शन होता है ड्रॉप का। इंडिया में हर साल लगभग 70-75% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ड्रॉप करते हैं। बट वो ड्रॉप करते क्यों हैं? तो गाइस, हम सबको पता है कि नीट का एग्ज़ाम 720 मार्क्स का होता है। अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो 540 या 550 से ज़्यादा स्कोर करना होता है। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स लगभग 400-450 तक आ जाते हैं, बट उन्हें लगता है कि अगर वो ड्रॉप करेंगे और कोचिंग करेंगे, मेहनत करेंगे, तो नेक्स्ट ईयर वो अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा गाइस, आते हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स किसी रीज़न की वजह से कम रह जाते हैं, जैसे तबीयत ख़राब होने की वजह से या और किसी एबनॉर्मल सिचुएशन की वजह से। उनको लगता है कि अगर वो ड्रॉप करके मेहनत करके नेक्स्ट ईयर अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। पर गाइस, पर्सनली मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट को एक या दो बार में अपनी कैपेबिलिटीज़ पता लग जाती हैं। सो गाइस, मैं आपके व्यूज़ ज़रूर जानना चाहूँगी इस टॉपिक पे। आप अपने व्यूज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब आता है फिफ्थ
ऑप्शन चेंज स्ट्रीम का। सो गाइस, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो पाता है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस को वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एंड अब्रॉड जाने के बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती है। ऐसे स्टूडेंट बीएससी, बी फार्मा जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं एंड एमबीबीएस को छोड़ देते हैं। सो गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं कि ट्वेल्थ में बायोलॉजी लेने के बाद एमबीबीएस के अलावा करियर के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड शेयर एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट आप कोई भी अपडेट और इम्पॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर पाएँ, बिकॉज मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। एंड गाइस, आपके जो भी ओपिनियन हैं आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, प्लीज़ अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। सो बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।